गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री, वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय पढ़ा रही हूँ। और टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री सब्जेक्ट में सिलेबस के अनुसार हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, रेशों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। और क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर में हमने कॉटन, फ्लैक्स, जूट, हेम्प, कॉयर, ये नेचुरल फाइबर्स जो सेलुलोजिक थे वो कंप्लीट कर लिए। उसके बाद में हमने प्रोटीन फाइबर्स, जो एनिमल फाइबर्स जिनको कहते हैं, वो हमने शुरू किए हैं, सिल्क एंड वूल। और सिल्क में हमने थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाया, उसके बाद में सिल्क यानी रेशम का उत्पादन पढ़ाया, और आज का जो टॉपिक है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिल्क यानी रेशम की विशेषताएं क्या होती हैं। तो रेशम की विशेषताएं या सिल्क की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी भौतिक विशेषताएं, एक केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या केमिकल प्रॉपर्टीज जिन्हें हम रासायनिक विशेषताएं कहते हैं। तो पहला हम भौतिक विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि रेशम भौतिक रूप में कैसा दिखाई देता है। तो पहला इसका जो विशेषता है वो है संगठन, इसका कॉम्पोजिशन। तो सिल्क में दो पदार्थ दिखाई देते हैं, दो पदार्थ होते हैं, एक होता है फाइब्रिन जो कि प्रोटीन नेचर का होता है, और दूसरा होता है सेरेसिन जो कि गोंद प्रवृत्ति का होता है। क्योंकि जब प्रोटीन के जो दो फाइबर फाइब्रिन निकलते हैं, वहीं से ही एक गोंद यानी सेरेसिन भी निकलता है और वो वहाँ चिपकता रहता है, तभी हमको धागा मिलता है। तो कॉम्पोजिशन में इसका यही है कि प्रोटीन यानी फाइब्रिन और एक गोंदनुमा या गोंदयुक्त पदार्थ सेरेसिन प्राप्त होता है। उसके अलावा सिल्क में कुछ और चीज़ें भी होती है, जैसे वसा होता है, मोम होता है और कुछ लवण भी पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता, इसकी भौतिक विशेषता है माइक्रोस्कोपिक। अगर हम इसकी रचना देखें, सूक्ष्मदर्शी रचना, तो हमें सिल्क का जो रेशा होता है वो चमकदार दिखाई देता है और दोहरा दिखाई देता है। दोहरा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो कीड़े की दो ग्रंथियों से दो रेशे एक साथ निकलते हैं, इसलिए दोहरे रेशे दिखाई देते हैं, और वहीं से ही सेरेसिन एक गोंदयुक्त पदार्थ निकलता है और वो वहाँ चिपकता रहता है, इसलिए इनकी रचना जो है वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। मतलब दो धागे निकलते जा रहे हैं, रेशे हवा में सूख जाते हैं और सेरेसिन से चिपक जाते हैं, तो वो टेढ़े मेढ़े होते हैं। लेकिन जब गोंद पूरी तरह से हटा दिया जाएगा तो जो सिल्क का रेशा होता है वो चमकदार तंतु दिखाई देता है, पारदर्शी दिखाई देता है और सीधा तंतु दिखाई देता है। मतलब वैसे टेढ़ा मेढ़ा है जब सेरेसिन है, लेकिन गोंद हटा देने के बाद में वो चमकदार, सीधा और पारदर्शी तंतु दिखाई देता है। ये तो है कल्टीवेटेड, मतलब उत्पादित रेशम के बारे में। लेकिन अगर हम जंगली रेशम यानी वाइल्ड सिल्क की बात करते हैं, तो वाइल्ड सिल्क का जो रेशा होता है वो असमान आकार का होता है, इरेगुलर उसकी आकृति होती है और चपटा होता है, लहरदार फीते के समान होता है, और उन फीतों पर भी असंख्य लंबी लंबी बारीक बारीक लाइनें लगी हुई रहती हैं, लाइंस होती हैं, और ये रेशे भूरे भूरे दिखाई देते हैं। तीसरी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है तंतु की लंबाई। सिल्क का जो तंतु होता है उसमें लंबाई का बहुत महत्व है, और सिल्क का तंतु ही एक ऐसा, मतलब सारे फाइबर्स में एक अकेला ऐसा तंतु है जो सबसे अधिक अत्यधिक लंबाई वाला रेशा होता है। करीब 800 से 1200 मीटर लंबा ये रेशा हमको प्राप्त हो सकता है, और चूंकि इतने लंबे लंबे रेशे होते हैं इसीलिए इनसे जो वस्त्र बनते हैं वो चिकने और चमकदार वस्त्र बनते हैं। चौथी इसकी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, आर्द्रता का प्रभाव, कि अगर मान लो थोड़ा मॉइस्चर हो तो उस पर क्या प्रभाव होगा। सिल्क पर कोई प्रभाव नहीं होता आर्द्रता का, न ये सिकुड़ता है न ये तनता है, क्योंकि इनमें अवशोषकता का गुण होता है। अवशोषकता मतलब थोड़ा बहुत वो एब्जॉर्ब करता है, 10-30% तक ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, नमी का इसमें गुण होता है। लेकिन अगर सफ़ेद वस्त्र है और उसमें नमी हो जाए तो वो थोड़े दिन में पीले रंग में या भूरे या भद्दे से रंग में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट इसकी भौतिक विशेषता है ताप का संचालन।
ताप के संचालन में हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो सिल्क का रेशा है ये प्राकृतिक रेशा है और प्राकृतिक रेशे में भी ये प्रोटीन का रेशा है, तो प्रोटीन से निर्मित होने के कारण ये कुचालक होता है, ताप का कुचालक होता है। और ताप का कुचालक होने से जो शरीर की गर्मी अंदर जो रहती है वो अंदर ही रहने देता है, वो शरीर से बाहर निकलने नहीं देता है, बल्कि ये कॉटन, लिनन, नायलॉन, इन सभी से सबसे ज़्यादा गर्म सिल्क का धागा रहता है, इसीलिए हम इसको सर्दी में पहनना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है ताप का प्रभाव। ताप का यानी अगर हम इसको हीट देंगे, ड्राई हीट देंगे, जैसे अगर प्रेस कर रहे हैं और अगर हाई टेम्परेचर पर प्रेस करेंगे तो उसके तंतु जो है वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही कोमल तंतु होते हैं रेशम के, तो इसलिए अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर हम इसको प्रेस करेंगे, ड्राई हीट देंगे, तो वो तंतु सिल्क के नष्ट हो जाएंगे, और अगर सफ़ेद कलर के होंगे और थोड़ा ड्राई हीट देंगे तो वो पीले कलर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, उसमें पीले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट इसकी बहुत एक विशेषता है हवा का प्रभाव। अगर हम सिल्क के तंतु को बहुत ज़्यादा हवा में या बहुत ज़्यादा धूप में या बहुत ज़्यादा गर्म हवा में रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है, जल्दी नष्ट होने लगता है, और अगर वाइट कलर का है वो सिल्क तो फिर वो पीले कलर का पड़ सकता है। नेक्स्ट भौतिक विशेषता है घर्षण का प्रभाव। उसमें फ्रिक्शन का क्या प्रभाव होता है? सिल्क पर फ्रिक्शन का इस तरह से प्रभाव होता है कि अगर हम सिल्क को रगड़ेंगे तो क्योंकि ये चमकदार होता है तो और कोमल होता है, चिकना होता है, तो रगड़ने से उसके रोएं की जो चमक है, लस्टर है, वो हट जाएगा, चिकनाहट खत्म हो जाएगी और वो भद्दा सा दिखाई देगा। इसलिए जब हम सिल्क के कपड़ों को धोते हैं तो हम रगड़ के नहीं धोते हैं, नीडिंग एंड स्क्वीजिंग मतलब गूंथने और दबाने की क्रिया से हम उन कपड़ों को धोते हैं। नेक्स्ट है संकुचन, श्रिंकेज। सिल्क का रेशा चूंकि बहुत ज़्यादा लंबा, अभी बताया था मैंने, अत्यधिक लंबा होता है, 800 से 1200 मीटर तक का हमको धागा मिल सकता है, तो ये बहुत अच्छा लंबा होने के कारण सिल्क के जो रेशे होते हैं न तो वो फैलते हैं और ना ही वो सिकुड़ते हैं। नेक्स्ट है रंग। सिल्क का जो रंग होता है, उत्पादित सिल्क का हम अधिकतर बात कर रहे हैं, जो कल्टीवेटेड सिल्क है वो पीले रंग की भी हो सकती है, सफ़ेद भी हो सकती है, कबूतरी रंग की भी हो सकती है, जैसा जो ककून होएगा ना, जैसा कीड़े की जाति होगी, उस अनुसार हमको सिल्क का रंग, सिल्क का वस्त्र, सिल्क का रेशा प्राप्त होता है। लेकिन जो कल्टीवेटेड के अलावा वाइल्ड सिल्क है, जो जंगली सिल्क होती है, वो पीली या भूरे रंग की सिल्क हमको प्राप्त होती है, लेकिन वो पीला और भूरा इसलिए होता है क्योंकि उसमें गोंद चिपका हुआ होता है, और अगर हम गोंद को हटा के उसको ब्लीच कर देंगे तो वो वाइट कलर की सिल्क मिल जाती है हमको। नेक्स्ट है लचीलापन। सिल्क के रेशे को अगर हम दबाकर और छोड़ देते हैं, सिल्क के रेशे को या सिल्क के वस्त्र को, प्योर वाला जो सिल्क होता है, अगर सिल्क को दबाकर और हम छोड़ देते हैं तो सिल्क अपनी पूर्व स्थिति में, मतलब जैसी जिस स्थिति का वो था उसी स्थिति में वो वापस आ जाता है, और ये शुद्धता की पहचान होती है। मतलब जो प्योर सिल्क होता है उसको दबाओ, क्रश करो, वापस छोड़ दो, वो अपनी स्थिति में आ जाता है, लेकिन जो टेफ्टा सिल्क, मतलब जो हमें लवण डाल के और फिर जो आर्टिफिशियल सिल्क बनती है, वो क्रश जल्दी होती है, वो फिसलती भी ज़्यादा है। नेक्स्ट है प्रत्यास्थता। इसमें इलास्टिसिटी कितनी होती है? इसमें ये लचीला रेशा होता है, और लचीला रेशा होने के कारण जब उसकी बुनाई होती है और कोई रेशा ऊपर रह भी जाए तो सतह पर वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और लचीला होता है, और इसकी सतह जो होती है सिल्क की, वस्त्र की, वो चिकनी होती है, कोमल होती है और इजीली क्रश नहीं की जा सकती, कुचल नहीं सकते हैं, और उनमें सलवट नहीं पड़ती। बाय द वे, सलवट पड़ भी जाती है तो जल्दी दूर हो जाती है, लेकिन प्योर सिल्क हो तो वो कुचला भी नहीं जाएगा और सलवट पड़ेगी तो जल्दी भी दूर हो जाएगी। ये इसकी प्रत्यास्थता का गुण है। और लास्ट हम भौतिक विशेषता सिल्क की ये है कि फफूंदी और कीड़े का प्रभाव।
सिल्क पर फफूंदी और कीड़े का कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन अगर उसमें मांड मतलब स्टार्च वगैरह लगा दिया जाए तो कीड़े उससे आकर्षित होते हैं और कीड़े उसको आके और खा जाएंगे, तो फिर वो कीड़े नष्ट कर देते हैं। ये सब रेशम की विशेषताओं में भौतिक विशेषताएं थी कि रेशम में संगठन में दो पदार्थ होते हैं, एक फाइब्रिन एक सेरिसिन, और अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो ये फीते के समान मतलब दोहरे रेशे दिखाई देते हैं, और अगर हम उसका गोंद हटा दें तो वो सीधा चमकदार रेशा दिखाई देगा, लेकिन अगर हम वाइल्ड सिल्क देखें तो चपटा फीते के समान दिखाई देता है। अगर हम इसकी लंबाई देखें तो ये बहुत अत्यधिक लंबे होते हैं, 800 से 1200 मीटर तक, इसीलिए चिकने वस्त्र बनते हैं इससे। अगर हम आर्द्रता का प्रभाव देखें तो इसमें सिल्क पर कोई आर्द्रता का प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि इसमें अवशोषकता का गुण होता है, 10-20% ये नमी को सोख लेती है, लेकिन अगर सफ़ेद कलर का कपड़ा होता है तो वो भद्दे रंग का हो जाता है। और ताप के संचालन में सिल्क चूंकि कुचालक होता है इसलिए सर्दी में पहना जाता है, वो शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता, और सिल्क के रेशे बहुत ही कोमल होते हैं, अगर उसको सूखी ताप दी जाए तो वो नष्ट हो जाते हैं, और सिल्क के रेशे को अगर ज़्यादा हवा धूप और ये दिखा दी जाए तो वो कमज़ोर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सिल्क को अगर ज़्यादा रगड़ा जाए तो उसकी चिकनाहट समाप्त हो जाती है। सिल्क के रेशे चूंकि लंबे होते हैं इसलिए वो न सिकुड़ते हैं न फैलते हैं, और सिल्क का जो रेशा होता है जो वाइल्ड सिल्क है वो तो पीली भूरे रंग की होती है क्योंकि उसमें गोंद होता है, गोंद हटाने और ब्लीच करने से वो सफ़ेद हो जाता है, लेकिन उत्पादित अगर हम देखेंगे तो उत्पादित रेशे सफ़ेद पीले या कबूतरी कलर के हो सकते हैं। सिल्क का रेशा बहुत लचीला होता है, अगर उसको दबा के छोड़ दिया जाए तो वो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, और यही सिल्क के शुद्धता की भी पहचान होती है। नेक्स्ट है कि सिल्क बहुत लचीला होता है तो उसमें प्रत्यास्थता ज़्यादा होती है, उसकी बुनाई में अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाए तो उसकी सतह जो इतनी कोमल चिकनी होती है कि वो रेशे उस पर दिखाई नहीं देते हैं, और उनमें सलवट भी जल्दी नहीं पड़ती, सलवट अगर पड़ भी जाए तो जल्दी ठीक हो जाती है, और सिल्क पर कीड़े फफूंदी का कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन अगर उस पर ऐसी फिनिश दी जाए, ऐसी परिसज्जा हो जो कीड़ों को आकर्षित करती है, तो कीड़े आके उसको वस्त्र को खा जाते हैं। दूसरी तरह की रेशम की विशेषताएं हैं रासायनिक विशेषताएं, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला है अम्ल का प्रभाव। सिल्क के रेशे के ऊपर अगर हम सांद्र अम्ल यानी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कोई सा भी हो, H2SO4 हो, HCl हो, HNO3 हो, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, नाइट्रिक अम्ल हो, कोई सा भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कोई सा भी सांद्र अम्ल हो, वो सिल्क के रेशे को नष्ट कर देता है। लेकिन जो तनु अम्ल होते हैं जो डाइल्यूट ऑक्सैलिक एसिड है या फिर साइट्रिक एसिड है, वो स्टेन रिमूवल यानी धब्बे छुड़ाने के काम में आते हैं, लेकिन फिर भी धब्बे छुड़ाने के बाद में वो जो एसिड लगा हुआ है तो उस कपड़े को थोड़ा पानी से अच्छा साफ कर लेना चाहिए। दूसरा रासायनिक इसका प्रॉपर्टी है क्षार का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एल्कली। अगर हम सांद्र क्षार यानी कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली यूज करते हैं तो सिल्क के सारे तंतु नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, लेकिन जब हमको सिल्क को धोना होता है तो बहुत ही डाइल्यूट बहुत ही या फिर कह लीजिए कि न्यूट्रल टाइप का जो साबुन होता है, डिटर्जेंट होते हैं लिक्विड सोप, बहुत ही डाइल्यूट या न्यूट्रल डिटर्जेंट, उनसे कपड़ों को धोना चाहिए सिल्क के। उसके बाद में है विरंजक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ब्लीच। अगर हम क्लोरीन या फिर हाइपोक्लोराइड ऐसे वाली अगर ब्लीच यूज़ करते हैं सिल्क के ऊपर तो वो हानिकारक प्रभाव डालती है, तंतु को नष्ट कर देती है, खराब कर देती है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड या परबोरेट नामक विरंजक यानी ब्लीच यूज़ करते हैं तो फिर कपड़ों पर इतना इफेक्ट हानिकारक इफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसको भी बहुत सावधानी पूर्वक हमको वस्त्रों पर इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट इसका केमिकल प्रॉपर्टी है धातु के लवणों का प्रभाव। चूंकि अभी मैंने बताया था कि सिल्क जो है वो धातु के साथ सादृश्य होती है, उसकी अच्छी एफिनिटी होती है, अच्छी उसमें घुल मिल जाती है, इसलिए जो आर्टिफिशियल सिल्क जो टट्टा सिल्क जो होती है उसको बनाने के लिए हम सिल्क के तारों को लवण के साथ मिला देते हैं, उनको वजनी बना देते हैं, लेकिन वस्त्र को वजनी नहीं बनाते हैं। अगर वस्त्र बनने के बाद में वजनी बनाएंगे तो वो जल्दी फट जाएगा क्योंकि उसके ताने और बाने के तारों का संतुलन नहीं होगा। लेकिन जब हम ताने और बाने जो रेशे होते हैं, ताना मतलब जो वॉप जो उसका
खाका बन रहा है और जो अंदर बुनते हैं वो वेफ्ट यानी बाना। तो ताने अधिक वजनी होते हैं और बाने जो हैं उससे कम वजन के और दूसरे तंतु कम वजन के होते हैं, तब संतुलन बना रहता है और फिर जो सिल्क बनती है वो आर्टिफिशियल सिल्क टेप्टा सिल्क कहलाती है। और लास्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रंग। चूँकि सिल्क जो है वो अगर जो हम कल्टिवेटेड सिल्क की बात करें तो वो बहुत प्राकृतिक है, तो उसमें चटकीले चमकीले रंग उसमें लगाने चाहिए और बहुत ही आकर्षक रंग आराम से आसानी से रंगी जाती है सिल्क, तो किसी भी रंग में और कोई सा भी कलर का हम उस पर छपाई वगैरह कर सकते हैं। तो रासायनिक विशेषताओं में अम्ल सांद्र अम्ल का बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है, लेकिन डाइल्यूट अम्ल जो है वो धब्बे छुड़ाने के काम में आते हैं। सांद्र क्षार जो है वो नष्ट कर देता है, लेकिन जो कोमल उदासीन डिटर्जेंट है वो सिल्क को धोने के काम में आते हैं। अगर सांद्र ब्लीच जो है क्लोरीन और हाइपोक्लोराइड ये सिल्क के वस्त्र को हानि पहुंचाती हैं, लेकिन परबोरेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड सिल्क को ब्लीच करने में सहायता पहुंचाते हैं। और धातु जो है धातु के जो लवण उनका सिल्क पर इस तरह से प्रभाव होता है कि सिल्क धातु के लवण के साथ आराम से मिक्स हो जाती है और मिक्स होकर आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में मदद करती है। तो टेप्टा सिल्क बनाने के लिए ताने के तारों को ज़्यादा वजनी बनाया जाता है और दूसरे तारों को कम वजनी, नहीं तो उनका संतुलन नहीं होके जो वस्त्र बनेगा वो जल्दी फट जाएगा। और जो सिल्क होता है वो प्राकृतिक है और उसमें बहुत अच्छे से रंग चढ़ते हैं, भले वो चटकीले चमकीले प्राइमरी सेकेंडरी कोई से भी कलर हो वो सिल्क पर बहुत अच्छी तरह से आसानी से चढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आज जो मैंने पढ़ाया वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिल्क, रेशम की विशेषताएं। और रेशम की विशेषताएं दो तरह से मैंने पढ़ाई है, एक है भौतिक विशेषताएं जिनमें 13 तरह की विशेषताओं का मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, दूसरी है केमिकल यानी रासायनिक विशेषताएं, और रासायनिक विशेषताओं में अम्ल क्षार विरंजन रंग इन सब के बारे में पढ़ाया। तो इस तरह से ये सिल्क के बारे में कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट टर्न पे हम वूल यानी ऊन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।